आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फेशियल करने का तरीका, जो कि स्टेप बाय स्टेप फेशियल बताने वाली हूँ। एंड गाइस, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करूँगी टिश्यूज से या रोज़ वाटर से, आप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ टिश्यूज का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड इसके बाद मैं गोल्ड ब्लीच, जो कि आयुर्वेदा का है, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी इनके फेस पर। ये गोल्ड ब्लीच एक्टिवेटेड के साथ है, जो कि आप सब अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें मैंने आयुर्वेदा का गोल्ड ब्लीच जो है हॉनेस्ट रिव्यू किया हुआ है, आप उसकी क्वालिटी वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं लगाने का तरीका आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप अप्लाई करोगे अपने क्लाइंट्स को या आप अपने फेस पर। इसी तरीके से आप अपने नेक पर, हैंड पर बॉडी ब्लीच भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम 10 मिनट तक इसको रखेंगे, जो कि 10 मिनट के बाद क्लीन कर देंगे। एंड गाइस, 10 मिनट कंप्लीट के बाद फेस को स्पंज की सहायता से आप इससे फेस क्लीन कर सकते हैं, या कॉटन रुमाल से भी आप फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फेशियल किट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आयुर्वेदा का पपाया फेशियल किट है। ये 5 स्टेप के साथ है गाइस, और इसका मैंने हॉनेस्ट रिव्यू किया हुआ है, जो कि आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप करना रहता है, जो कि इसमें नंबर वाइज दिया रहता है स्टेप बाय स्टेप फेशियल किट कैसे करें। तो फिलहाल मैं इसको बता देती हूँ आपको, मसाज कैसे करना है फेस पर, मतलब स्टेप बाय स्टेप मसाज किस तरीके से आप करेंगे। एंड फर्स्ट में जो है क्लिंजर है, मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्लिंजर को आप 5 से 10 मिनट तक फेस पर लगाएंगे और इसको इसी तरीके से मसाज करेंगे। एंड क्लिंजर के साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ रोज़ वाटर। गाइज, रोज़ वाटर का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रीम रहता है, अगर आप मसाज करेंगे तो मसाज के लिए थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे से क्लियर करें। पानी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रोज़ वाटर का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी क्वांटिटी ले लेकर जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हो, पर्सनल अपने लिए भी कर सकते हो फेशियल। लेकिन गाइज, स्टेप जो होता है वो बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। अगर आप इसको मतलब फेशियल करते हैं तो स्टेप इसका इधर उधर करते हैं, तो आपके फेस का इफ़ेक्ट जो होता है, मतलब ग्लोइंग का इफ़ेक्ट जो होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। सही तरीके से किया हुआ फेशियल का इफ़ेक्ट ग्लो अलग ही होता है। एंड गाइस, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब देख लें, और इसका ग्लो भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इस स्टेप में हमारा स्क्रब है, सो क्लिंजर को हम पहले क्लीन करते हैं स्पंज से। एंड गाइस, ये बहुत सही तरीका रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्लाइंट्स को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता। सो स्क्रब भी हम इसी तरीके से करेंगे, लमसम ये 10 मिनट तक इस्तेमाल करेंगे, मतलब मसाज करेंगे। तो आपको 10 मिनट हल्के हाथ से मसाज करना रहता है, हल्के हाथ से आप मसाजें, क्योंकि स्क्रब थोड़ा खुरदरा होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है। लेकिन हाँ गाइस, ये स्क्रब जो है ये आयुर्वेदा का है, सो ये बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे कि बहुत से स्क्रब ऐसे आते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्ट और स्मूथ है, जो कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रब का जो स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल उसी तरीके से मसाज करना रहता है जैसे कि हम फेशियल में कर रहे हैं। तो ये भी एकदम नॉर्मल तरीके से आप हल्के हाथ से धीरे धीरे करके करिएगा, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पीड किया हुआ है स्क्रब के अकॉर्डिंग, कि आपको ताकि दिख सके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत स्लो मोशन अगर हम करते तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता लंबा वीडियो। सो गाइज, लंबा वीडियो होने के अकॉर्डिंग लोग वीडियो भी स्किप कर देते, इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट में रखा हुआ है, जो कि स्पीड अप में कर दिया है। एंड गाइस, अब सेकेंड पे मैं यहाँ पे स्क्रब अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि उसी तरीके से हम मसाज करेंगे। एंड गाइस, इसका टाइमिंग भी 10 मिनट तक हम रखने वाले हैं। 10 मिनट तक आप इसको मसाज करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम फेशियल में करते हैं। सो ये भी स्क्रब बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्क्रब आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रब बहुत ही सॉफ्ट है और आपको करने में भी बहुत इजी रहेगा। एंड गाइस, ये स्क्रब जो है कि बहुत हल्के हाथ से करना होता है, वैसे भी स्क्रब बहुत हार्ड भी रहते तो भी हल्के हाथ से, नॉर्मल रहते तो भी हल्के हाथ से। सो यहाँ पर मैं जो है रोज़ वाटर का भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि फेशियल के करने पर आज किया जाता है तो रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना होता है, तो ऐसे ही आपको भी करना रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप फेशियल आप देख लें,
एंड गाइस ये बहुत सही तरीका रहता है स्टेप बाय स्टेप फेशियल करने का, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर फेशियल करते हैं तो फेस का ग्लोइंग जो हो वो थोड़ा समझ में आता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो सही तरीके से किया हुआ फेशियल अच्छे से ग्लो करता है। एंड गाइस इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेशियल बता रही हूँ, जो कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसको भी हम मसाज के बाद इस पन से क्लीन कर लेंगे, जैसे कि हम फेशियल में करते हैं। सो इसके बाद थर्ड में हम इस्तेमाल करने वाला है पपाया जेल, जो कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फेस के लिए पपाया जेल। ये हम 5 मिनट तक पपाया जेल करेंगे। एंड गाइस ये बहुत ही सही रहता है 5 मिनट तक जेल करने का जो स्टेप रहता है, ये भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये फेशियल के लिए बहुत सही है गाइस, क्योंकि आप लोग अगर फेशियल फुल करते हो तो आपको लमसम 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्पीड अप करने के बाद कुछ मिला के 8-9 मिनट तक वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम मसाज क्रीम का भी सिम इंक्लूड कर लेंगे, जो कि पपाया का मसाज क्रीम है गाइस। उसको भी हम 15 मिनट तक करेंगे, क्योंकि 10 मिनट तक हमने यहाँ पे किया क्लिंजर और 10 मिनट तक किया स्क्रब एंड 5 मिनट तक जेल का इंक्लूड किया हुआ है। मसाज क्रीम जो है थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, जो कि 15 मिनट तक करना रहता है। एंड गाइस लास्ट में हम पैक का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये 15 मिनट तक मसाज आप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम करते हैं। और गाइस ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मसाज के बाद हम अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि पैक का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से फेस क्लीन रहना चाहिए। तो फेस पैक जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो फेस पैक हम 15 मिनट तक रखने वाले हैं, क्योंकि सूखने तक फेस पैक रखा जाता है गाइस, और गर्मी का सीजन रहता है तो जल्दी से सूख जाता है। ठंडी में थोड़ा सा ये टाइम लगता है, लेकिन 15-20 मिनट तक आप रखेंगे, उसके बाद ये रिमूव कर देंगे। फेस पैक को आप अपने नेक में फेस पर लगा सकते हैं, ये बहुत सही रहता है गाइस फेस पैक यूज करने का जो तरीका होता है लास्ट में, क्योंकि फेस को थोड़ा सा एंड गाइस ये फेशियल का जो प्राइस है आपको टोटल मिल जाएंगे 695 रुपये का किट। इसमें जो आप ब्लीच करेंगे वो भी अलग से आएंगे, जो भी प्राइस में आप इसे लेना चाहते हैं, कई रेंज में आते हैं छोटा बड़ा करके। और इसकी MRP पार्लर में आप करवाने वाले हैं तो 250-300 रुपये में हो ही जाएगा, जो कि हमारा फेस पैक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज इसको भी क्लीन करने वाले हैं, और ये यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है, जो कि गाइज आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लीज़ कमेंट में करके हमको ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।